नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो में Redmi Note 7 डिवाइस के साथ Android 15 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट करके Instagram में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले Redmi Note 7, Redmi Note 7S डिवाइस के लिए Android 15 का जो ऑफिशियल अपडेट है नहीं आने वाला है। यहाँ पर Redmi Note 7 के लिए ऑफिशियल अपडेट जो है Android 10 के साथ MIUI 12.5 के साथ ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। बट डेफिनेटली आप जो है Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर Android 15 को एक्सपीरियंस कर सकते हो कस्टम रॉम के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कस्टम रॉम के बारे में। अभी आप एक चीज नोटिस करोगे, Redmi Note 7 डिवाइस के लिए जो है काफी कम कस्टम रॉम देखने को मिल रहा है। इसके पीछे अलग अलग रीजन हो सकता है। सबसे पहले डेवलपर जो है अपने फ्री टाइम में कस्टम रॉम को डेवलप करते हैं, तो डेवलपर वगैरह जो है काफी बिजी है अपने पर्सनल लाइफ में, और काफी कम डेवलपर है जो कि Redmi Note 7 डिवाइस को फिलहाल यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर यूजर भी जो है काफी कम है Redmi Note 7 डिवाइस के लिए, क्योंकि काफी पुराना डिवाइस हो गया है। ये जो Redmi Note 7 डिवाइस है 2019 में जो है रिलीज किया गया था, तो काफी टाइम हो चुका है Redmi Note 7 के बाद। Redmi Note 8, Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi Note 11, Redmi Note 12, इवन Redmi Note 13 सीरीज भी अवेलेबल है। तो ढेर सारी जो है नया मॉडल अवेलेबल है Redmi Note की तरफ से, तो इसलिए Redmi Note 7 जो है काफी पुराना हो गया है। इसलिए जो कस्टम रॉम डेवलपमेंट है काफी जो है कम देखने को मिल रहा है। काफी कम अपडेट और काफी कम रिलीजेस हो रहा है कस्टम रॉम के साथ, बट फिर भी काफी सारे डेवलपर है जो कि Redmi Note 7 डिवाइस के लिए मंथली जो सिक्योरिटी पैच अपडेट वगैरह है प्रोवाइड करते हैं, प्लस नया नया कस्टम रॉम भी अवेलेबल होता है। बट जैसा पहले बहुत जो है ज्यादा कस्टम रॉम अवेलेबल था, डेली कस्टम रॉम देखने को मिलता था, नया नया रॉम, नया नया अपडेट देखने को मिलता था Redmi Note 7 डिवाइस के लिए, फिलहाल अभी जो है ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डिवाइस जो है काफी पुराना हो गया है। यूजर बेस भी यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, प्लस डेवलपर भी जो है काफी जो है कम देखने को मिल रहा है। डेवलपर जो है पर्सनल लाइफ में शायद बिजी है और डिवाइस भी शायद नहीं है डेवलपर के पास, इसलिए शायद जो है Redmi Note 7 डिवाइस के लिए ज्यादा डेवलपमेंट वगैरह जो है कस्टम रॉम के साथ देखने को नहीं मिल रहा है। एंड फिलहाल जो है इससे पहले हमने Redmi Note 7 डिवाइस के लिए Android 14, Android 13 का जो पोर्ट रॉम वगैरह है उसको भी रिव्यू हमने जो है अपलोड किया था। सिंपली Redmi Note 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। बट यहाँ पर अभी जो है Redmi Note 7 डिवाइस के लिए Android 15 का कोई भी पोर्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है। पहले जो है Android 12, Android 13 के लिए जो है पोर्ट रॉम वगैरह देखने को मिलता था Redmi Note 7 डिवाइस के लिए, जो GSI वगैरह देखने को मिलता था। बट अभी फिलहाल जो है Redmi Note 7 डिवाइस के लिए कोई भी Android 15 का जो पोर्ट वगैरह है अवेलेबल नहीं है। इसके पीछे भी जो है सेम रीजन है, ज्यादा जो है डेवलपर जो है Redmi Note 7 डिवाइस के लिए कस्टम रॉम को डेवलपमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि ज्यादा यूजर बेस ही जो है अवेलेबल नहीं है। जितने भी यूजर है नया डिवाइस में जो है शिफ्ट हो गया है, इसके लिए जो है ज्यादा कस्टम रॉम देखने को नहीं मिल रहा है Redmi Note 7 डिवाइस के लिए। बट यहाँ पर बहुत ही जल्दी अगस्त का जो महीना है इसमें जो है Android 15 का जो स्टेबल रिलीज होने वाला है, एंड बहुत ही जल्दी जो है Android 15 के साथ जो है कस्टम रॉम अवेलेबल होने वाला है Redmi Note 7 डिवाइस के लिए। आप भी अपने Redmi Note 7 डिवाइस के लिए Android 15 को एक्सपीरियंस कर सकते हो कस्टम रॉम के साथ। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। हम जो है Redmi Note 7 के रिलेटेड वीडियो जो है अभी फिलहाल अपलोड नहीं करने वाले। इसके पीछे जो मेन रीजन है, सबसे पहले हमारे पास जो Redmi Note 7 डिवाइस है इसका जो यहाँ पर पावर बटन है इसमें जो है दिक्कत देखने को मिल रहा है। देख सकते हो यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन काम कर जाएगा, बट पावर बटन हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं बट डिस्प्ले जो है बट बंद नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पावर बटन में जो है इशू है, पावर बटन फिलहाल जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। पावर बटन जो है यहाँ पर प्रेस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम जो है फोन को स्विच ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑलरेडी ये जो फोन है इस फोन का हमने बैटरी को जो है यहाँ पर रिप्लेस किया था, एंड अभी फिलहाल जो बैटरी का जो प्राइस है
1300 के आसपास है प्लस जीएसटी, तो 1500 के आसपास जो है रेडमी नोट 7 का जो बैटरी कॉस्ट है, ओरिजिनल बैटरी कॉस्ट, एंड लगभग जो है एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है बैटरी को हमने रिप्लेस किया है रेडमी नोट 7 का, बट अभी फिलहाल जो है पर पावर बटन जो है पर काम नहीं कर रहा है रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ, एंड फिलहाल हमारा जो है यहाँ पर कोई भी इरादा नहीं है रेडमी नोट 7 का जो पावर बटन है इसे फिक्स कराने के लिए, इसलिए हम जो है इस फ़ोन को एज ए सेकेंडरी डिवाइस वगैरह के लिए यूज़ करने वाले हैं, एंड डबल टैप टू स्लिप को हम यूज़ करने वाले हैं सरस वर्क के साथ, जो डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है और डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है उसे यूज़ करने वाले हैं, बट इस फ़ोन के साथ हम जो है कोई भी जो है कस्टम रोम वगैरह जो है हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो पावर बटन है फिलहाल काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कस्टम रोम इंस्टॉल नहीं हो सकता पावर बटन के अलावा, बट हम जो है फिलहाल यहाँ पर कस्टम रोम को इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं, बाकी देखते हैं जो है कौन सा कस्टम रोम के साथ जो है एंड्रॉयड 15 सबसे पहले रिलीज होता है रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए। रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो वगैरह को जो है चेकआउट करके देख सकते हो, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इससे पहले हमने जो है पोको फोन MI2 डिवाइस का जो वीडियो अपलोड करना हमने छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर बैटरी जो है पर फुल गया था, प्लस अभी रेडमी नोट 7 का जो पावर बटन है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। बैटरी बैकअप सही है, डिस्प्ले सही है, बट सिर्फ पावर बटन ही काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल पोको फोन MI2 रेडमी नोट 7 के रिलेटेड कोई भी नया वीडियो जो है यहाँ पर नहीं आने वाला है। अगर इन फ्यूचर हम उस फोन को अगर फिक्स करते हैं तो डेफिनेटली वीडियो जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं रिलेटेड रेडमी नोट 7 पोको फोन एंड MI2, बट एज फॉर नाउ फिलहाल कोई इरादा नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है। एंड डेफिनेटली एंड्रॉयड 15 को एक्सपीरियंस कर सकते हो कस्टम रोम के साथ रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए, एंड अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ट्राई करूंगा एटलीस्ट जो है एक वीडियो अपलोड करने के लिए एंड्रॉयड 15 का जो है इंस्टॉलेशन के रिलेटेड। बाकी यहाँ पर पावर बटन के रिलेटेड अगर कोई सजेशन वगैरह है तो आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। फिलहाल जो है शायद यहाँ पर कोई इशू देखने को मिल रहा है, इसलिए जो पावर बटन वगैरह है यहाँ पर प्रेस नहीं हो रहा है, बट वॉल्यूम बटन यहाँ पर काम कर रहा है बट पावर बटन जो है यहाँ पर प्रेस नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पर बैटरी डिस्प्ले चार्जिंग के साथ भी कोई भी इशू नहीं है, एंड डिवाइस में भी हमने कोई भी इशू वगैरह नोटिस नहीं किया है, एंड होपफुली इन फ्यूचर हम जो है रेडमी नोट 7 के रिलेटेड वीडियो अपलोड कर पाएंगे। एंड इस तरह से डेवलपर जो है काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, एंड पुराना डिवाइस के लिए भी जो है नया अपडेट को रिलीज करके, तो ज़रूर से आप जो है कमेंट बॉक्स में डेवलपर को जो है थैंक यू कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, एंड बहुत ही जल्दी एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है रिलीज होने वाला है रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए। चलो बाय बाय।